तो दोस्तों, अगर आप इस महंगाई के दौर में अपनी बड़ी फैमिली के लिए कोई एमपीवी कार को मार्केट में तलाशने निकल चुके हैं, बजट आपका 3 से 4 लाख रुपए के अंतर्गत है, तो देश की सबसे सस्ती कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जल्दी भारतीय बाजार में इस जबरदस्त नए साल के मौके पर आपके लिए एक जबरदस्त कार को लॉन्च करने की तैयारी पूरे भारत में कर चुकी है। जी हाँ, मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन 2024 इको का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था। अब वो घड़ी आ चुकी है जब आपकी इको अपने 5 सीटर और एक 7 सीटर अवतार में भारत में लॉन्च होने को तैयार हो चुकी है। बता दें कि मार्केट में इको एक ऐसा विकल्प है जिसको कमर्शियल से लेकर पर्सनल इस्तेमाल में लिया जाता है। ये कार वैन से लेकर कई मामलों में यूज की जाती है। अब वो घड़ी आ चुकी है जब स्मार्ट जमाने के साथ स्मार्ट टेक्नोलॉजी और स्मार्ट ग्राहकों को और भी ज्यादा इको जैसे मॉडल को शानदार बनाते हुए मार्केट में लॉन्च करने का निर्णय इको को ले लिया है। मार्केट में इको को कई मौकों पर टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया था। ये कार अपने पुराने मॉडल के मुकाबले बोरिंग डिजाइन को पीछे छोड़ अपने नए अंदाज और फीचरस डिजाइन और जबरदस्त फीचर्स की प्रणाली के साथ मार्केट में एंट्री लेने वाली है। इको के अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले लुक और डिजाइन पे ही गौर कर लिया जाए तो आप साफ साफ अपनी नेक्स्ट जनरेशन 2024 इको को इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि कार को एग्रेसिव लुक के साथ शानदार बोल्ड डिजाइन भी दिया गया है। इको के फ्रंट में अब आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का सेटअप बोरिंग डिजाइन वाले फॉग लैम्प्स को रिप्लेस करके दिखाई दे रहा है, जो कि इस कार की शान को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। साथ ही साथ उसमें लगी डे टाइम रनिंग लाइट्स जो कि इको जैसे मॉडल को 2024 में स्मार्ट जमाने के साथ स्मार्ट भी बना रहे हैं। साथ ही साथ मारुति सुजुकी ने अपने इस छोटी जबरदस्त बड़ी दिखने वाली 7 सीटर एमपीवी कार में न्यू 99 अपडेट व्हील का इस्तेमाल क्रोम फिनिशिंग और मैट ब्लैक ऑप्शन ने दिया है। यानी ये कार और भी ज्यादा स्टाइलिश काफी जबरदस्त लुक के साथ नजर आती है। एग्रेसिव लुक को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए और ऊंचा डिजाइन देने के लिए इस कार में इको जैसे मॉडल के अंदर आपको एक खूबसूरत स्पोर्टी लुक वाला बम्पर भी देखने को मिल जाता है, जो कि इको जैसी कार को शानदार बना रहा है। इको के बम्पर में लगे फॉग लैंप जो कि नए डिजाइन के साथ पहली बार इस सेगमेंट में इको जैसी कार में दिखाई दे रहे हैं। साइड प्रोफाइल से गौर किया जाए तो देख पा रहे हैं कि इको अपने पुराने मॉडल के मुकाबले चौड़ी और बड़ी भी नजर आ रही है। यानी इस कार को 4x4 के डिजाइन के साथ पहली बार भारत में लॉन्च किया जा रहा है। इको में देखे तो ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस आपको देखने को मिलता है, जिसके चलते इस कार में पुराने मॉडल के मुकाबले 17 इंच के बड़े टायर्स का इस्तेमाल कंपनी ने कर डाला है, जिसमें लेटेस्ट अपडेट वाले नए डिजाइन के अलॉय व्हील ऑप्शन जैसे इको को और भी ज्यादा मार्केट में खूबसूरत बनाने वाले हैं। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन इको के सबसे बड़े अपडेट की बात कर ली जाए तो देख पा रहे हैं कि इको में अब आपको एमपीवी डोर हैंडल बार देखने को मिल जाते हैं और इस कार के स्लाइडिंग डोर को रिप्लेस करके एमपीवी डिजाइन में पूरा चेंज किया जा चुका है। अब आपको बैठने के बाद इको जैसी वैन कार में एक फुल एमपीवी वाला लुक आने वाला है। यानी आप इको के अंदर बैठ के फुल एमपीवी वाले मजे लेने वाले हैं। इको के अंदर आपको नए हैंडल्स बार से लेकर दोनों साइड विंग्स मिरर में एक्शन कैमरे जैसी प्रणाली इको जैसी जैसी कार को मार्केट में और भी ज्यादा एडवांस 2024 में बना रही है। वीडियो के अंदर आपने साफ साफ देख ही लिया कि मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन 2024 इको कितना शानदार लुक के मामले में नजर आ रही है। मार्केट में इको अब सभी का दिल जीतने के लिए पहली बार 5 सीटर मोड ऑप्शन के साथ 7 सीटर विकल्प में काफी शानदार स्पेस और शानदार फीचर्स के साथ भी नजर आती है। आखिरकार आपने इको के अंदर अभी तक काफी छोटे इंजन का इस्तेमाल देखा होगा, मगर आने वाली बढ़ते पेट्रोल के दाम को चुनौती देने वाली और आज के टाइम में इको जैसी कार में आपको माइल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस इंजन ऑप्शन नए डिजाइन ऑप्शन के साथ मिलने वाला। इको के अंदर आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ पेट्रोल विकल्प ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इको जैसी कार के आउटपुट की बात करें तो ये कार 210 PSP की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 240 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 इको के अंदर आपको 5 स्पीड EMT 5 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन भी मिलने वाले हैं। माइलेज की बात कर ली जाए तो भाइयों, मारुति सुजुकी की कारें आज से नहीं काफी लंबे समय से परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए ही तो जानी जाती है। चाहे छोटी कार हो चाहे बड़ी कार हो, इन कारों का माइलेज एक बाइक के बराबर देखा जाता है और आने वाली इको अपने नए डिजाइन और स्पेसिबल डिजाइन के साथ नए इंजन ऑप्शन द्वारा संचालित की गई है, जिसके चलते जबरदस्त 7 सीटर कार का लौटे का माइलेज 28 से लेकर 30 के आसपास बताया जा रहा है। इतना माइलेज तो ऑल्टो जैसी कार में देखने को मिलता है। ओवरऑल लुक और शानदार डिजाइन और जबरदस्त इंटीरियर के साथ आने वाली इको मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो यहाँ तो कल हमने भारतीय बाजार में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 इको के इंजन से लेकर कार के लुक से लेकर डिजाइन की बात, जो कि हर किसी को मार्केट में इको का दीवाना बना रही है। अब वो घड़ी आ चुकी है जब आप पूरी जानकारी लेने के बाद इको को आज ही घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। आज के समय में
महंगाई के दौर में हर कोई कम बजट में 7 सीटर कार को मार्केट में तलाशा है और कम बजट में ऐसे फर्स्ट क्लास फीचर्स भी देखता है जो कि कार को लेने के बाद उस कार में शानदार आपको फीचर्स भी मिल पाए। और आज की जनरेशन 2024 के लगते ही ईको जैसी कार में शानदार फीचर्स का इस्तेमाल करते हुए कार को लॉन्च करने का निर्णय मारुति सुजुकी ने आखिरकार फाइनली ले ही लिया है। कंपनी की तरफ से आने वाली ईको के अंदर आपको 10 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स भी मिलने वाले हैं जो कि किसी एमपीवी कार से कम नहीं है। इंटीरियर ऑफ फीचर्स पे गौर कर पा रहे हैं, ये कार अपने पुराने मॉडल के मुकाबले काफी स्पेसिबल डिजाइन के साथ नजर आ रही है। डैशबोर्ड पे नजर डाले तो ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ वुडन का लाइनअप अब इस कार के अंदर आपको मिल जाता है जो कि बैठने के बाद इस कार को शानदार पुराने मॉडल से काफी ज्यादा बना देता है। और आने वाली ईको के अंदर दोनों साइड बिल्कुल नए डिजाइन की क्रोम फिनिशिंग के साथ चमचमाते हुए ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की प्रणाली भी आपको मिल जाती है। और अब ईको जैसी कार में पीछे बैठने वालों के लिए भी ठंडी हवा खाने के लिए ऑटोमेटिक एसी वेंट्स की प्रणाली जोड़ी गई है जो कि मार्केट में इस कार को काफी खास बना देती है। ईको जैसी कार में पहली बार ऐड होने वाला 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है जिसमें शानदार फंक्शंस को अपडेट किया गया है। मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ईको में सबसे बड़ा शानदार आपको इस कार में 8 इंच के पूरे फुल साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से इस ध्याती कार में मुहैया करवाया गया है, यानी ईको अब स्मार्ट भी हो चुकी है। ईको के इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी से लेकर एप्पल कारप्ले सपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम और UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल और वॉइस कमांड जैसे बेहतरीन AI फंक्शंस को आप अपनी ईको जैसी कार में एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ ईको जैसी कार में आपको इतना ही नहीं, कार में वायरलेस चार्जिंग के साथ स्मार्ट चार्जिंग, डी प्लगिंग ऑप्शन, हारमोन्स के पूरे 6 साउंड स्पीकर ऑप्शन म्यूजिक सुनने वालों को ईको में मार्केट में दीवाना बनाने वाले हैं। तो पुराने मॉडल के मुकाबले आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ईको के अंदर आपको शानदार सिटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस कार में आखिरकार कंपनी ने अपहोल सीट्स का सेक्शन दिया है। इन सीटों की खास बात है कि आप अपनी सीटों को 14 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, 360 एंगल तक मोड़ सकते हैं, ना यूज होने पर ईको की सीटों को बाहर भी निकाला जा सकता है और अपनी ईको को जब मन चाहे आप कमर्शियल रूप में भी बदल सकते हैं। टेक्नोलॉजी स्मार्ट जमाने के साथ मारुति सुजुकी ने अपने सेकंड जनरेशन हाई टेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कारों के लिए करना स्टार्ट कर दिया है जिसके चलते आपको कई नए मॉडल्स आपको 2023 से लेकर 24 में देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ ईको जैसी जबरदस्त एमपीवी कार को पूरी तरीके से 90% तक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, यानी काफी हद तक ये काफी स्ट्रॉन्गेबल डिजाइन के साथ नजर आती है। तो मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ईको को कुछ ही हफ्तों में लॉन्च किया जाना है। इस कार की प्री बुकिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आपने अभी तक ईको को अपने घर बैठे ही बुक नहीं किया है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से कमेंट बॉक्स में जाके ईको को बुक कर सकते हैं। कीमत के मामले में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 ईको की स्टार्टिंग कीमत 2.90 लाख रुपीज एक शोरूम प्राइस होने वाली है। ईको के लिए बन जाता है खूबसूरत सा लाइक, तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।